वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आप सबका स्वागत है। 24 जुलाई 2023, देखते हैं द हिंदू ने क्या कवर किया है आज, और जो कवर किया है वो अपने लिए कितना रेलिवेंट है, जो रेलिवेंट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सो मणिपुर को लेके है, लगातार हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। एक अलग सी वीडियो भी बना रखा है मैंने, मैती वर्सेस कुकी, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप तपस आईएएस के चैनल में देखें, उस पर वीडियो बना हुआ है। तो उससे रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं कि ये वायलेंस का रीज़न क्या था, क्या ये रिलीजियस था, रिलीजन बेस वायलेंट था, वायलेंस थे, या फिर ये किसी ट्राइब की डिमांड थी, या फिर ये आउटसाइडर का काम है जो बाहर से आके, या फिर इसमें ड्रग्स इन्वॉल्व्ड हैं, ये सारे पॉइंट हमने उसमें कवर किया है, सारे उसके रिलेवेंट पॉइंट डिस्कस किया है। और ये न्यूज़ इस न्यूज़ में लगातार है, तो इस पे लगातार डिस्कस करने का कोई वो नहीं बचता है कि एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ें और अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करें। आप उतने समय में कुछ और भी कर सकते हैं। दूसरा न्यूज़ जो है वो रेलवे को लेके है कि रेलवे में जो बालासोर इंसिडेंट हुआ था, आप सबको पता था जो ट्रेजेडी हुई थी इतनी बड़ी, उसको लेके न्यूज़ में है कि उसमें जो खामियां थी उसको सही किया जाएगा, और ये अगले 4-5 साल में खर्च किए जाएंगे पैसे, 5 करोड़ ऐसा बोल रहे हैं कि रिवैम्पिंग किया जाए, डिपेंडिंग ऑन ए स्टेशन साइज द कॉस्ट ऑफ रिवैम्पिंग रेंज बिटवीन 5 करोड़ से 20 करोड़। इस तरीके से खर्च किया जाएगा कि साइज़ क्या है, स्टेशन की साइज़ क्या है, उसको देख के 5 करोड़ से 20 करोड़ उसमें खर्च किए जाएंगे। उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ें कन्वेंशनल बेस है, रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स बेस बनाया जाएगा ताकि उसमें जो भी टेम्पर करने के चांसेज हैं वो कम हो जाएं। ये न्यूज़ में है। सेकेंड पॉइंट ये है आपका। थर्ड पॉइंट ये है कि डिपेंडिंग ऑन दी, ये तो हो गया 6 ईयर्स गोल सेट बाय द ऑफिशियल, 6 साल की इसमें ये है, बालासोर इंसिडेंट अकर्ड ऑन द मैनुअल टेम्परिंग, वही है जो मैंने आपको कॉपर वायर वर्सेस जो है एक ऑप्टिकल की बात किया जा रहा है, आप इसको देखेंगे तो रिप्लेसिंग द कॉपर केबल्स यूज इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम विथ ऑप्टिकल फाइबर्स। जो कॉपर्स की जो डिमेरिट्स हैं उसको हटाने के लिए अपन ऑप्टिकल फाइबर का यूज करेंगे। वाइल कॉपर केबल्स आर यूज इन इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट विथ ईज, ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ मैनुअल हैंडलिंग एट मल्टीपल पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट पे जो हम मैनुअल हैंडलिंग करते थे तो उससे हम बच जाएंगे और हम उसको ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट करने के बाद वो चेंज हो जाएगा। अनदर मिनिस्ट्री जो है वो कह रहे हैं कि ओवरहॉल वुड बी इन्वॉल्व इंस्टॉलेशन कंप्यूटर चिप बेस्ड कंट्रोल नोन एज सॉलिड स्टेट पॉइंट ऑब्जेक्ट कंट्रोलर्स, ठीक है, तो ये इसमें भी इसको भी सही करेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्यूटर चिप बेस करके कुछ कंट्रोल बनाएंगे जिसमें सॉलिड स्टेट पॉइंट ऑब्जेक्ट कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है, इतना टेक्निकल अपने को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है ओवरऑल वो स्टेशन को कन्वेंशनल मेथड्स से जो ऑपरेट होता था उसको चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज करना चाह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए। अपने को ये ध्यान रखना है, और उसमें है भी कि इसमें लिखा गया है कि कुछ 7-8 हज़ार स्टेशन हैं उसमें से बहुत कम को, जैसे ये लिखा है, देखिए आप इसको पेंडिंग में ही देखिए, द सिस्टम कैन बी ओवरहॉल इज नॉट मोर देन 500 स्टेशन ईच ईयर्स, तो 500 ही एक साल में हो पाएगा, तो 5 साल का, तो जितने भी बचे हैं, तो विथ वर्क पेंडिंग ऑन 4,400 स्टेशन, 4,000 के आसपास स्टेशन ऐसे बचे हैं जिसको सही करने की, इलेक्ट्रॉनिक्स में लाने की ज़रूरत है, वो कन्वेंशनल मेथड से ही ऑपरेट हो रहे हैं, और दैट इज द रीजन की जो सिग्नलिंग को इस साइड से उस साइड करने में जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उससे एक्सीडेंट होते हैं। तो ये न्यूज़ था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। लेस देन 40% ऑफ इंडिया 7,325 रेलवे स्टेशन हैव मेड स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स
इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा कि आप रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप उसको कितना जो है इलेक्ट्रोनाइज कर रहे हैं, आप कन्वेंशनल सिस्टम को हटा के कैसे करेंगे कि ताकि एरर होने के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो पाएँ, सो एटलीस्ट ह्यूमन एरर कम से कम हो। उससे क्या हो जाएगा कि कभी कभी लगातार वर्क स्ट्रेस में लोग वहाँ पे सो जाते हैं या कुछ और तरीके से उनसे गलतियाँ हो जाती हैं या कोई उनको बायस करने की कोशिश करता है या कोई उसको डरा धमका के कुछ करवा सकता है, तो अगर ये सब चीज़ें अगर हट जाएंगी तो थोड़ी सी एक्सीडेंट की जो चांसेज होंगी वो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये बहुत सारे रीजन हैं, इसमें से और भी रीजन हो सकते हैं, आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उसको रीजन आपको मिलता जाएगा। तो इसको इस तरीके से करने की ज़रूरत है। वो अगले 5 साल में वो कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ें कदम उठा रही हैं, रेलवे कदम उठा रही हैं इंसिडेंट को देखते हुए, तो आप उसको कंसिडर करें और एक रखें कि आपको जब भी क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड आए तो आपको बोलना कि कन्वेंशनल मेथड को हटा के हमें इलेक्ट्रॉनिक साइज की ओर हमें जाना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज रिलेटेड टू रेलवे, बालासोर इंसिडेंट। नेक्स्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, NIA फाइल चार्जशीट अगेंस्ट 9 एक्यूज लिंक टू BKI। हाँ, खालिस्तान टाइगर फोर्स जो थे उनके खिलाफ ये इन्होंने चार्जशीट फाइल किया है। कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा इसमें बनेगा तो अपन इस पे NIA का जो भी स्टेप होगा उस पर अपन डिस्कस करेंगे। खालिस्तान मूवमेंट अभी भी एक्टिव है तो देखते हैं इस पर क्या बनता है। सर, जामिया इस्लामिया जो है इसको सेंटर नोट्स ऑफ मेडिकल कॉलेज, उसको मेडिकल कॉलेज की परमिशन मिल गई है और ये अब प्लान ये भी कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया में भी कैंपस खोलेंगे। इससे क्या होगा, रिसर्चर्स आएंगे इस एम में। ये इनका जो इसमें ये था, इसका जो मेन इनका थीम था कि ऐसा नहीं है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज है नहीं, तो फिर जामिया इस्लामिया में लाने का क्या रीज़न है। तो इसमें इन्होंने एक अच्छा लिखा है राइटर ने कि द एम इज़ नॉट टू टर्न जामिया इनटू ए हॉस्पिटल। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत है इंडिया में, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी अच्छा एक्सेल है उसमें उसको उसी में करने दो, बट इनटू एन अर्बन रिसर्च सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं उसको डिस्कस किया जाएगा, उसको वेस्ट इंडिया को उसको साथ अपन टाई अप करेंगे और उनको भी उनका भी स्टेक लेंगे, उनका भी व्यू जानेंगे और रिसर्च करेंगे। अच्छा स्टेप है, गवर्नमेंट ने इसको नोट दिया है तो खैर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस ये है जामिया इस्लामिया है इसीलिए थोड़ा सा पेपर उसने छाप दिया है, तो कोई इतना नहीं है। बहुत गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर बाहर के ऐसे कॉलेज हैं जिनको नोट दे रही है, परमिशन दे रही है, तो इतना बड़ा न्यूज़ नहीं था पर छापा है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यमुना में फिर से पानी बढ़ रहा है, हाथीकुंड से छूट रहा है, तो वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार यमुना के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। हाँ, ये है कि दी ऑर्डिनेंस, एक न्यूज़ है जो ऑर्डिनेंस प्रोमोगेटेड बाय सेंटर ऑन May 19 इफेक्टिवली रिवर्स दी सुप्रीम कोर्ट 11 का ऑर्डर। जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 मई को ऑर्डर दिया था कि जो सर्विस मैटर है दिल्ली में वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, ये इन्हीं के पास होना चाहिए कि भाई आपको किसको ट्रांसफ़र करना है, किसको ट्रांसफ़र करना है, किसको अपॉइंटमेंट करना है। इसमें तो आप इलेक्टेड गवर्नमेंट का स्टेक लो, इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप चूज करो, उसको उनको परमिशन दो कि वो कम से कम अपने हिसाब के एम्प्लॉय को रख सके। तो सर्विस मैटर जो है वो आप स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, खैर वो स्टेट नहीं है दिल्ली, NCT ऑफ UT है, लेकिन ये कह रहे हैं कि UT में भी जो प्रोविज़न है उसके अंदर में उनके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट का है कि चुनी हुई सरकार आती है दिल्ली में, तो सर्विस मैटर इनको जाना चाहिए। तो जब इन्होंने 11 मई को जजमेंट दिया तो उन्होंने 19 मई को उसको चेंज कर दिया ऑर्डिनेंस लाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाके चेंज किया तो सारे पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट किया, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और कहे कि इनको अपोज करते हैं, अपन पार्लियामेंट में अपोज करेंगे ताकि वो ऑर्डिनेंस पास ना हो। तो उसके लेके न्यूज़ था कि सेंट्रल ऑर्डिनेंस के ऊपर जो पार्लियामेंट में जो टेबल पर रखा गया उस पर डिस्कस होगा। ये था इसमें। तो अर्ज कर रहे हैं कि विड्रॉल ऑफ बिल रिप्लेसिंग सर्विस ऑर्डिनेंस, आप MP अर्ज राज्यसभा चेयरमैन के ऊपर वो अर्ज कर रहे हैं कि ऐसे बिल ना लाया जाए। ठीक है, देखते हैं इसका क्या, ये इसका डिस्कशन भी सुप्रीम कोर्ट में होना है फिर से, तो देखते हैं कि ये क्या है। और पहले पार्लियामेंट से देखते हैं कि पार्लियामेंट में कितने लोग उनकी सपोर्ट में हैं कितने नहीं हैं।
जिसमें जिस टाइप की चीज़ें इसमें डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। राइट नो आपको यह है कि सर्विस मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो अभी उन्होंने दिया है उसके हिसाब से कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को होना चाहिए, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। जितने भी ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट्स या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको आप सीएम और को पावर होना चाहिए ऐसा करके, लेकिन ये जो भी है इनके पीछे रीजन, लेकिन ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे तो अब देखेंगे उसका। अब ये इसमें क्या वॉयलेशंस हैं और कौन से आर्टिकल का वॉयलेशंस हैं, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। 239A के अंदर में फिर डिस्कस होने लगता है वो सब, बहुत सारे सब क्लॉज हैं उसके अंदर में। अगर कुछ इस तरीके का बड़ा न्यूज़ बनेगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे अंदर में, कि एक बार पूरा जो आर्टिकल 239A से स्टार्ट करके पॉन्डिचेरी के बारे में भी समझ लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसके, एलजी के पास है कि प्रेसिडेंट के पास है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर के पास है। राइट नो सर्विस मैटर है तो वी आर ओनली स्टिक टू द सर्विस मैटर। मोदी जी जो है वो लाइकली टू इनोग्रेट रीडेवलप्ड ITPO कॉम्प्लेक्स, ये G20 की समिट होने वाली है तो आपको पता है कि सितंबर में शायद इसकी है। सितंबर में G20 लीडर्स सबमिट करने वाले हैं, सेटर टू टेक प्लेस दिल्ली में होने वाला है, तो उसके लिए वो है कि एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और बस केवल आपको ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ITPO जो है वो एक अंडर द एजेस ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री है, अगर ऐसा पूछा जाए तो। अपने लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो कि ये इंपॉर्टेंट हो कि G20 का रेलिवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी टाइम में। और G20 में इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने G20 का जो है उसमें अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने की कोशिश की है कि आप इसको भी मेंबरशिप दें, और अलग अलग जितने भी स्टेक होल्डर है G20 को सबको चिट्ठी लिखा है, तो अफ्रीकन यूनियन अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये इस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, अदरवाइज इतना तो मेरे को ITPO इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। फिर भी उन्होंने कवर किया तो मैं सिंगल लाइन में आपको ये समझा दिया कि प्रगति मैदान के आसपास कई कॉम्प्लेक्स है ये इनका। एक फॉर सेक्सुअली एब्यूज चिल्ड्रेन जी इसके ऊपर है कि जो माइनर्स के साथ जो रेप हो जाता है उसके बाद जो उनको रिहैबिलिटेशन किया जाता है तो उसमें साइकोलॉजिस्ट का, पुलिस का, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हर चीज़ें जब तक वहाँ सिंक में नहीं आती है तब तक जो जिस ट्रॉमा से हमारी बच्चियाँ गुजरती हैं वो उस चीज़ को आप सही तरीके से नहीं ला सकते हैं। तो जो जब भी इस टाइप की रेप होती है तो पुलिस का लगातार वहाँ पे विजिट करना और उसको जो सर्वाइवर्स है उसको डिस्टर्ब करना, उसके फैमिली को परेशान करना, ठीक है, इवन पुलिस परेशान करे ना करे पुलिस का प्रेजेंस ही अपने आप में उनके लिए एक ट्रॉमा हो जाता है सोसाइटी में। तो इस सब चीज़ों के बारे में लिखा है कि सेक्सुअली अब्यूज चिल्ड्रन जो है उसको किस तरीके से एक रोड मैप रिहेबलेट करने के लिए किस तरीके से होना चाहिए। एक केस है दिशा जी के नाम चेंज करके रखा गया है इनके प्राइवेसी की वजह से, तो उनको जो उनके साथ जो मिसहैपनिंग हुई थी उनको लेके एक उन्होंने एक केस स्टडी करके उनको आपको समझाने की कोशिश किया है कि एक दिशा जो है उसके फादर ऑटो ड्राइवर थे, मदर जो थी वो विजुअली चैलेंज थी, ठीक है, ओल्डर सिस्टर ही उसका सब देखभाल करती थी, और उसके बाद जो भी उस एरिया में उनके साथ जो भी गलत चीज़ें हुआ उसके बाद उसकी फ़ोटो बना ली गई, और उसके बाद लगातार कंटिन्यूस उनके साथ जो है वो उनका रेप किया गया है। तो ऐसे समय में जब वो जो जो माइनर जो सर्वाइवर बचती है तो उसको किस तरीके से हम इमोशनली फाइनेंशियली किस तरीके से हेल्प करें, ठीक है, उसको लेकर डिस्कशन हो रहा है कि आप वो ट्रॉमा जिस ट्रॉमा से गुजर रही है उसको किस तरीके से हम हेल्प करें। स्टेट कैन इंश्योर द साइकोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ विक्टम्स बिफोर द प्लान ऑफ टेकिंग एनी ड्रास्टिक स्टेप, तो आपको जो भी है उसके लिए आपको स्टेट को ये करना चाहिए। सेवरल फैमिली डू नॉट सपोर्ट द सर्वाइवर्स, तो फैमिली जो है वो सर्वाइवर सपोर्ट नहीं करती है तो वो ध्यान रखना चाहिए। वन एरिया रिहैबिलिटेशन कंपनसेशन है फाइनेंशियल साइड में, आप फाइनेंशियल भी कैसे दे रहे हैं, तो स्वाति मालवाल का जो है दिल्ली DCW की जो चेयरमैन है वो ये कह रही है कि आप कंपनसेशन प्रोवाइड इमीडिएट सपोर्ट टू द फैमिली, शी बिलीव्स इट इज द बेस्ट टू प्रोवाइड कंपनसेशन एट डिफरेंट स्टेज ऑफ हर लाइफ। आप उसको जो भी 1 लाख रुपये सरकार की तरफ से मिलता है, 1 लाख रुपये सरकार की तरफ से मिलता है तो आप उसको दे देते हैं, फिर लाइफ टाइम उसको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको टाइम बाई टाइम उसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये सब इनके व्यूज़ हैं कि हम क्या कैसे सुधार कर सकते हैं, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए। क्या हम उनको सर्वाइवर को 1 लाख रुपए दे के और आप सोसाइटी जो है उससे अपना
पल्ला झाड़ सकती है क्या, या फिर हमको उस टाइम पे उसको पहले उनको ट्रेनिंग स्किल देना चाहिए, फिर उनको पहले सोसाइटी में लाने की कोशिश करना चाहिए, फिर सोसाइटी को ये ट्रेंड करना चाहिए कि आप इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो फॉल्ट उनका नहीं है, जिस जो उस नैरो माइंडेड के लोग हैं उनकी सोच है, तो वो क्यों भुगते। डिस्पाइट दैट देयर आर 80-90% चांस ऑफ विक्टिम टर्निंग हॉस्टाइल। क्यों हो जाती हैं हॉस्टाइल हो जाती हैं 80-90% लोग जो होते हैं जो जिनके साथ परफॉर्म होता है ऐसी चीज़ें हीनियस क्राइम, वो हॉस्टाइल हो जाती है, खुद ही अपने बातों से मुकर जाती है। पुलिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड 24 आवर सिक्योरिटी, जो जो 24 घंटे 24/7 का जो रूल है जो उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, वो एक साइकोलॉजिस्ट कहती है कि वो उसको ज़्यादा बुरा लगता है, कि एक टाइप का स्टिग्मा है कि सोसाइटी में, ठीक है, डबल स्टिग्मा हो जाता है उनके साथ कि रेप भी हुआ और पुलिस बार बार विजिट कर रही है। सो ऑफन पुशेज सर्वाइवर एंड देयर फैमिली इनटू डिनाइंग द इंसिडेंट, वो मना करने लगती है बाद में, भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो आप सोचो कि आप डबल स्टिग्मा है उस बंदे के लिए। फिर मालवाल जी ये कहते कि दे टर्न एडल्ट इंटू इम्पोर्टेंट एंड वुमेन फाइनेंशियल, और उसको फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की टर्म में लाना चाहिए। वही बोला कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आप उसको दो, अगर माइनर है तो आप उसको पहले काउंसलिंग करो, फिर काउंसलिंग करने के बाद उसको सोसाइटी में लाने की कोशिश करो, फिर उसकी स्कूल में उसकी कॉलेज में उसको इस तरीके से रखो, उसको इस तरह का फील नहीं होने दो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, फिर उसको स्किल सिखाओ, उसको फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, तब जाके वो जाके अपने पैरों पे खड़ी होगी, ठीक है। आप उसको 1 लाख रुपए दे दिए और आप बोले कि सर मेरा काम ख़त्म, ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ राइट अप्रोच, ठीक है। तो ये राइटर ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। देयर इज ऑल्सो द नीड फॉर सेक्स एजुकेशन इन स्कूल एंड होम, तो आपको सेक्स एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा होम में, घर में बातें करनी पड़ेगी कि दिशा हैड नो आइडिया जो सी वाज प्रेग्नेंट, की उसको पता ही नहीं चल रहा है कि जो गर्ल्स है जिसके साथ गलत हुआ है कि वो उसके बॉडी की जो चेंजेज है स्टोमिक में चेंजेज हैं, या फिर वो उनके वो प्रेग्नेंट है। सो आप उसको एजुकेशन दो, मेंस्ट्रुएशंस जो भी है, पीरियड्स हैं उसके बारे में एजुकेशन दो, सेक्स के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, जेंडर सेफ एंड अनसेफ टच के बारे में उनको ये आप समझाएं, ठीक है। तो ये सब राइटर ने लिखा है और आप इसको देखें, तो ये एक न्यूज़ था, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, यस, सो 1991 के आसपास जब एलपीजी रिफॉर्म आया था, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म की वजह से पॉवर्टी का जो हुआ वो रिडक्शंस हुए, उसमें कमी आई, खामियां जो भी था उसको हमने सही किया और उसको सही डायरेक्शन में पॉलिसी बनाने के बाद हमने पॉवर्टी को रिड्यूस किया, जितना भी हो सका उसने करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की। अब उसको हम ये देख रहे हैं 2023 के सापेक्ष में, उसको हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राइट नाउ इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, 0.1, यस, सो इंडिया नॉमिनल जीडीपी कुड सून टच व्हाट 4 trillion USD, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, यस वी हैव विथ ओवर 100 ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, करेक्ट। द यूएस इज नाउ वन ऑफ द इंडिया क्लोज फ्रेंड, यस वी हैव ए वेरी गुड डील विथ यूएसए, और उसकी वजह से हमने उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बने हैं। सो डेफिनेटली हमारे जो यूएस के साथ जो संबंध है वो काफी क्लोज फ्रेंड की तरह है। एंड न्यू दिल्ली एंजॉय द स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद सेवरल पावरफुल स्टेट्स अराउंड द वर्ल्ड, तो हमारे जो रिलेशंस हैं जैसे कि है यूएई के साथ, हमारे रिलेशन जो है वो रशिया, इवन रशिया के साथ, हमारे रिलेशन जो है वो जापान के साथ, हमारे रिलेशन जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, सो बहुत सारे ऐसे पावर है जिनके साथ हमारी जो है जो वर्ल्ड पावर है उनके साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छी है, काफी मतलब ट्यूनिंग में है। सो द विजनरी इन्वेस्टमेंट मेड ओवर द पास्ट सेवरल डिकेड आर नाउ बिकमिंग टू फ्रूट बियर फ्रूट्स विद ए परमिसिव एक्सटर्नल एटमोसफेयर फॉर द कंट्री टाइज, सो बहुत दिनों की जो मेहनत है वो अब फ्रूटफुल हमारी उसमें रिजल्ट में दिखने को मिल रहा है। सो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द पिवोटल स्विंग्स पावर द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड and often paying both sides with a great elan. The great power politics around the Ukraine war brought renewed focus on India's roles in world politics. So, अगर आप देखेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, सो कई बार यूएसए वर्सेस जो सॉरी यूएसएस नॉट यूएसएस इट्स रशिया वर्सेस जो यूक्रेन का अभी जो वॉर चल रहा है उसमें बहुत ऐसे टाइम हुआ जो मीडिएटर का काम करने की कोशिश किया है,
और बहुत सारे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो ऐसा मानते हैं कि इंडिया के पास वो पोटेंशियल है कि इस वॉर को खत्म कर सकता है, एंड टू वॉर. वही लिखने की देर आर ए सीरियस सजेशन दैट इंडिया शुड मीडिएट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया टू बिगेन टू ब्रिंग एन एंड टू द वॉर. सो दैट मीन्स ये मानते हैं ऐसा. फिर ये लिखते हैं कि ऑल दो टेंस ऑफ, फिर उसको फिर से बैक जाते हैं, फिर वो लिखते हैं कि ऑल दो टेंस ऑफ मिलियन ऑफ पीपल इन इंडिया स्टिल लिव इन पॉवर्टी, द कंट्री नेशनल पावर हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली, मेकिंग इट ए फोर्स विद सिस्टम शेपिंग कैपेबिलिटीज एंड इंटेंशन. वेदर द न्यू दिल्ली इज एक्चुअली पंचिंग अप इंडिया का जो है, उन्होंने जो है जो पॉवर्टी स्टिल भी अभी कह रहे हैं अभी भी भरा हुआ है, हम पॉवर्टी के चारों ओर से घिरे हुए हैं. सो क्या नेशनल पावर जो है इंक्रीज, इतना ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, क्या हम इसको सही पंच मार सकते हैं और अपनी पॉवर्टी को, अपनी गवर्नेंस को, अपनी जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमारा रेट है उसको डिक्रीज कर सकते हैं क्या? वो इस टर्म में भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर अदर साइड को जो है ग्रेट पावर स्टोरी जो है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि हम ग्रेट पावर तो कह रहे हैं, जैसे हमारे पास फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम मिलिट्री में हमारा अच्छा है, हमारे संबंध अच्छे हैं, ये सब आपकी पॉजिटिव चीजें बता के अब फिर वो बैक पे लाने की कोशिश करें. डिस्पाइट बींग दैट द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पांचवें सबसे बड़े इकोनॉमी होने के बाद द पर कैपिटा जीडीपी जो है आपका वो 1947 डॉलर है, इन 2021 की आंकड़े दे रहे हैं तो इसके हिसाब से, वेयर दैट द बांग्लादेश जो है वो 2227 है, वो हमसे काफी ज्यादा आगे है, और वो जबकि 14th लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, जबकि वो ऐसा है भी नहीं कि वो फिफ्थ लार्जेस्ट है, वो फिफ्थ, उनकी रैंक 14th में है. तो उनके बाद ये हमारा जो उनका जो है वो जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे ज्यादा है. द आर्गूमेंट फ्रॉम द कंपेरिजन इज वेल नोन, कि एक तरीके से डिफाइन कर रहा है कि जो जीडीपी है और जो मिलिट्री का स्ट्रेंथ है वो डू नॉट इक्वल टू द वेल बींग ऑफ द कंट्री सिटीजन. यस इट इज एब्सोल्युटली राइट कि अगर आप जीडीपी की बात करते हो कि हमारा जीडीपी बहुत ज्यादा है, इंडिया की जीडीपी बहुत ज्यादा है, मिलिट्री की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, अच्छी होनी चाहिए स्ट्रेंथ, इसमें कोई कुछ ऐसा है नहीं खराब चीज, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स नहीं है, लेकिन आप जब कह रहे हो कि हमारी जीडीपी इतनी अच्छी है तो उसका कोई रिलेशन पर कैपिटा इनकम के साथ निकलेगा और हमारे इंडियन सिटीजन जो है वो बहुत ही मतलब अच्छी लेविस लाइफ जी रहे हैं, इवन लेविस लाइफ नहीं भी जी रहे हैं तो मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे हैं. सो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि आप जीडीपी का कैलकुलेशन आप सबको पता है कि कैसे होता है, ग्रॉस जो इसका इनकम जो निकाला जाता है वो किस तरीके का होता है सबका, उसमें अम्बानी जी का भी ऐड होगा, अडानी जी का भी ऐड होगा, बजाज साहब का भी ऐड होगा, और हमारे और आपके जैसे लोगों का भी ऐड होगा. उनके पास इतनी वॉल्यूम में पैसे हैं और हमारे पास इतने छोटे हैं, उसका ऐड करोगे टोटल से तो उसका अलग कैलकुलेशन है. तो पर कैपिटा इनकम जब हम निकालेंगे ना तो उनका पैसा भी ऐड होगा, तो ये वाला कैलकुलेशन है. तो आप उसमें भी ज़्यादा इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा. तो जीडीपी का और उसका जो जो सिटीजनशिप का जो ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा कुछ मैच खाते हुए नहीं दिख रहा है. फिर ये कह रहे हैं कि अगला लाइन ये कह रहे हैं कि इसमें कि द प्रेजेंस ऑफ वीक इकोनॉमी ऑल्सो टेम्पर द इंडियन इलीट एपिटेट फॉर एक्सटर्नल एंगेजमेंट, जबकि खुद की हमारी जो है 2019-20 के बाद जो हमारी इकोनॉमी है वो इतनी अच्छी रही नहीं है, अभी अभी हम रिवाइवल मोड पे हैं, बहुत सारे रिफॉर्म सरकार जैसे जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स लेके आई है, जिसका जिसका जो रिजल्ट है वो 2-4-5 साल को बाद देखने को मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट बाद में ही मिलता है, आपको इंस्टेंट मिलता नहीं है. तो ये सब चीजें वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं. फिर लिख रहे हैं कि इन परसेंटेज टर्म हैज विटनेस डाउन वर्ड टर्न ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स एंड ड्यूरिंग 2022 और 2023, इट इज ओनली 0.44% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरऑल बजट. आप जो वर्ल्ड को लेके जो हमारी जो सोच है कि हम इंटरनेशनल पावर बनेंगे तो उसके लिए कुछ ऐसा दिखता भी नहीं है, क्योंकि आप 1% से कम ही पैसा खर्च कर रहे हैं ओवरऑल बजट का. तो ये भी ऐसा नहीं है कि आपका एक्सटर्नल मार्केट में, एक्सटर्नल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या फिर इंटरनेशनल ऑर्डर में आपका इतना बड़ा चेंजेज ला सकते हैं आप, जिसकी बातें सुपर पावर की जो बातें हो रही है इस वाले एडिटोरियल में. इम्ब्रेस पावर के ऊपर में लिखते हैं, सो शुड इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर अंटिल इट डोमेस्टिक चैलेंज आर रिजॉल्व. क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जो हम जो ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने वाले हैं, या हम जिस ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा बनना चाह रहे हैं जिसमें हमारा स्टेक हो, जिसमें हमारी वॉइस सुनी जाए, हम तभी करें जब हमारे डोमेस्टिक डोमेस्टिक चैलेंजेस को रिजॉल्व कर लेंगे, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हो? और शुड इंडिया कंटिन्यू टू असर्ट इट प्लेस इन द वर्ल्ड एंड अस्पायर टू ग्रेट पावर, या फिर इंडिया को अपनी पावर को असर्ट करना है, कंटिन्यू रखना है जैसा रख रहे हैं हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसी को उस तरीके से हम बढ़ाते जाएं. तो इसको इम्ब्रेस पावर, इसको इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है जो लास्ट के अपने पैराग्राफ है उसमें. इफ यू आर नॉट, कहना चाह रहे, ये सुनिएगा बहुत प्यार से, कि इफ यू आर नॉट ए रूल सेपर यू आर ए रूल टेकर्स, अगर आप रूल नहीं बनाते हो तो आप रूल टेकर्स बनोगे. अब IMF और जो भी
क्लाइमेट चेंज की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो वर्ल्ड बैंक है और या फिर जो यूएन है, जैसे हम हमको सबको पता है कि वी आर डिमांडिंग कि यूएनएससी का मेंबर बनाया जाए हमें, लेकिन हमें बहुत दिनों से, सालों से, डिकेड से नहीं बनाया जा रहा है। सो अगर हम नहीं बनाते हैं और वो रूल बनाते हैं, रूल शेपर्स है, तो हम क्या हम रूल टेकर बन के रह जाएं? देन इंडिया हैज नो चॉइस बट टू इन्फ्लुएंस एंड शेप द ग्लोबल ऑर्डर टू मीट इट्स फॉरन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव विच वुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो इंडिया के पास कोई चांस बचता नहीं। अगर हम रूल सेपर बनना है, हमें रूल टेकर नहीं बनना है, तो हमें उसमें कूदना पड़ेगा। हम उसके डोमेन में जाके हमें उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, एक अच्छा वर्ल्ड को शेप करना पड़ेगा अपने रूल्स एंड अपने आइडियाज के साथ, ठीक है। और हम अपने लिए जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर या चाहे सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट के ऊपर या जियो पॉलिटिक्स के जो भी सिनेरियो बन रहे हो, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का बन रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बन रहा है, इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो हमें वो ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। सो ये सब है पूरी इसमें डिस्कशन। इंडिया एबिलिटी टू शेप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मस्ट ऑल्सो बी रिफ्लेक्शन ऑफ डोमेस्टिक कंटेक्स, यस। कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जब हम इंटरनेशनल, जैसे इंडिया सोलर अलायंस बनाया था, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया को इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्डर को इम्पैक्ट करते हुए, उसको इन्फ्लुएंस करते हुए ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन लाना है जिसका डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया जो टेररिज्म की बात करती है, बहुत सारे कंट्री का टेररिज्म प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया का और हमारा टेररिज्म जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमको इंटरनेशनल ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, उनको एक आइडिया देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर नहीं दिखता होगा टेररिज्म। फ्रांस गुजर रहा है टेररिज्म से, इंडिया गुजर रही है उस टेररिज्म से, जापान अभी गुजर रहा है टेररिज्म से, शिंजो अबे साहब की हत्या हुई है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लोगों के लिए, उनको उनके ऑर्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे ऑर्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम रूल सेपर्स में आएंगे, जब हम रूल्स बनाने वाले में आएंगे, तब हम उनको जाके चेंज करेंगे और वो हमारी बात सुनेंगे। सो इनका ये कहने का मतलब था। तो हमने जितना भी इसमें पॉइंट था, हमने सारा डिस्कस किया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप इसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। जितने भी पॉइंट थे उसको समझाने के, शॉर्ट और क्रिप्स में समझाने की कोशिश किया हूँ मैंने आपको। एक न्यूज ये है कि जो ट्रेड जो है वो सिंक हो रही है, देखते हैं कितना सिंक हो जान दो, फिर उसमें देखेंगे इसके बारे में कि कितना कर सकते हैं। जो भी है वो इकोनॉमिक का टॉपिक है, उसको एक दिन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे उसको कि कितना, एक बार उसका आ जान दो अच्छे से मंथली में। तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि सबवर्टिंग मैंडेट्स, यस। आफ्टर दैट सो देखते हैं इकोनॉमी को, इसका न्यूज बाद में। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके लगातार लिख रहे हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोनाउंस किसको कैसे बोलना है उसमें, उनके लिए तो इतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा था मुझे। मैं पढ़ के देखा है इसको, लेकिन कुछ अगर इस टाइप का मिलता तो मैं आपको समझाता, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबवर्टिंग मैंडेट। सो अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर चूज करके कहीं भी आ रही है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्सेस मिलिट्री हो जाए, तो मैंडेट को सबवर्ट करना ही बोलते हैं, सबवर्टिंग मैंडेट। सो ऐसे ही थाईलैंड में हुआ है। सो थाईलैंड में जो है सरकार इलेक्ट होके आई है, लेकिन जो है मिलिट्री का साथ उसका हमेशा से एक ये है कि वो चाहती नहीं है कि जो थाईलैंड हो वो मिलिट्री की ओर जाए, उसकी ओर जाए, डेमोक्रेटिक की ओर जाए। तो उस हिसाब से तो एक नई पार्टी आई थी जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट से निकली थी उसको, और उसमें और जनता में लगातार इसमें जो है वो इस टाइप की चीज़ें चल रही है कि दोनों में राइवलरी का वो चल रहा है। सो इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि बाय ब्लॉकिंग द विनर फ्रॉम फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड सस्पेंडिंग हिम फ्रॉम पार्लियामेंट, द जनरल्स हैव मेड इट क्लियर दैट दे विल नॉट टॉलरेट एनी कॉल फॉर रिफॉर्म्स। वो कोई रिफॉर्म चाहते ही नहीं है। दिस इज डेंजरस मूव दैट हैज टेकन थाईलैंड ए स्टेप क्लोजर टू म्यांमार मॉडल। ये म्यांमार की मॉडल, जो म्यांमार में भी तो यही हुआ था। म्यांमार में क्या हुआ था, वहां की जो जनता थी वो चुनी हुई सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे जो भी थी, जिसके पीछे के जो भी रीजन हो, उसको उसने उखाड़ के फेंक दिया। और वहां पे अभी हालात आपको पता है कि क्या है, ये अभी जेल में है। सो सेम चीजें हैं कि वेयर द मिलिट्री, म्यांमार का मॉडल बता रहे हैं कि वेयर द मिलिट्री कोप इन 2021 सॉ द अरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स एंड सिविल वॉर, द थाई अपोजिशन शुड स्टे यूनाइटेड। जितने भी अपोजिशन में उनको इसके खिलाफ तो कम से कम मिलिट्री के जो प्रेशर्स है, टेक्टिक्स है, उसके खिलाफ तो लड़ना चाहिए।
तो ये देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट अगर कुछ इसमें होगा, अगर सरकार बनी तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ है। सो इसमें एक और भी चीज़ है कि इसमें जो 750 मेंबर्स होते हैं ना थाईलैंड में, जिनकी वोटिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें से 500 मेंबर तो चलो इलेक्टेड एमपी होते हैं, लेकिन 250 मेंबर जो होते हैं ना वो मिलिट्री से आते हैं। तो इसका सपोर्ट चाहिए, बिना आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि आपको एटलीस्ट 376 या 375, 376 के आसपास आपको लॉ मेकर्स लगेंगे फॉर्म करने में गवर्नमेंट। तो आपको अगर थोड़ा सा भी कम वोट मिला तो आपको डेफिनेटली मिलिट्री की सपोर्ट चाहिए, और मिलिट्री को इस टाइप को आप बाईपास करके कोई ऐसा आप रिफॉर्म की बातें करेंगे तो वो आपको मिलिट्री आपको सपोर्ट करेगी नहीं। तो इनमें कुछ इस टाइप का सीन बन रहा है, तो इस पे भी हम अपन नज़र बनाए रखें और देखते हैं क्या होता है, उसके बाद इसका भी डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि ईडी पावर, ईडी का पावर जो है धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है। अभी अभी सरकार ने ईडी के पावर को इंक्रीज किया है। सो ईडी पावर टू अरेस्ट एंड सीक कस्टडी, तो ये चीजें इसको लेके बात हो रही है कि तमिलनाडु के जो मिनिस्टर थे, तो आपको पता ही होगा, लगातार मैं इसको बता रहा हूँ कि संथे बालाजी, ठीक है, वो उसको उसके अरेस्ट को लेके चल रहा है कि ईडी अरेस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, क्या ईडी के जो ऑफिसर है उसको पुलिस ऑफिसर समझा जाए। तो इसके सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट जुडिशियल पॉइंट हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, उसको लेके मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिस्कसेस हो हुई है, तो उसको लेके राइटर ने लिखा है। तो हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि केस लॉज डिफाइन है इसमें लिख रखे हैं पीएमएलए को लेके, तो उसमें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये समझेंगे जरूर कि ईडी अरेस्ट कैसे करती है, फिर कस्टडी कैसे लेती है। तो जो इसमें लिखा गया है वो नॉलेज मैं दे रहा हूँ। अगर ईडी के लिए आपको स्पेशल कोई चाहिए कि ईडी वर्सेस सीबीआई समझना है, तो मैं उसका अलग से उसका थेसिस करके एक पॉइंट बना के आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम ये जो एक्सप्लेन पार्ट है उसको एक्सप्लेन की तरह ही लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो हम उसको समझ लेते हैं। तो ये इस वाले न्यूज़ में कहना क्या चाह रहे हैं कि ये न्यूज़ जो है तमिलनाडु मिनिस्टर को लेके है। जैसे मैंने बताया कि 14 तारीख को जो मद्रास हाईकोर्ट थी, उन्होंने जो लीगलिटी है अरेस्ट को, ईडी जो अरेस्ट करना चाह रही है मिनिस्टर्स को, उसको अपहेल्ड कर दिया, बोला कि भाई सही हो तुम, करो अरेस्ट। ये कहा, ये मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक टू द कैश फॉर जॉब। अब ये इसमें क्या है कि साहब के ऊपर ऐसा आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं और कैश फॉर जॉब स्कैम के लेके, कि पैसा लिया है बोलूंगा जॉब दूंगा। तो सीबी साहब जो थे जस्टिस, वो ये कहना चाह रहे थे कि ईडी कैन सब्जेक्ट टू एनी पर्सन एक्यूज इन ए कस्टडी बुक्ड अंडर द पीएमएलए टू कस्टोडियल इंट्रोगेशन दैट द मिनिस्टर कैन बी टेकन इन टू कस्टडी इवन ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द अरेस्ट। अगर 15 दिन, ये एक्चुअली क्या है, तो इनको ऐसा हुआ था और ये हॉस्पिटल चले गए थे, तो बोलते कि 15 दिन के बाद भी ईडी के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है पीएमएलए के अंदर में, ऐसा करके सब्जेक्ट टू एनी पर्सन एक्यूज, ऐसा करके इन्होंने स्टार्ट किया है। मिस्टर बालाजी एंड हिज वाइफ जो है वो इसके बाद हैव सिंस देन मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज द हाई कोर्ट वर्डिक्ट। तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया ईडी अरेस्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट डिड द हाई कोर्ट रूल? सो हाई कोर्ट का रूल क्या कहता है? सो हाई कोर्ट का रूल कहता है कि द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द केस वाज वेदर द ईडी हैज पावर टू सीक कस्टडी ऑफ ए पर्सन अरेस्टेड। ईडी के पास क्या पावर है किसी पर्सन को अरेस्ट करने का? द जज एक्सेप्टेड सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट को जज एक्सेप्ट करते हुए आगे बोलते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ पेटिशनर, पेटिशनर के बिहाफ पे कपिल सिब्बल केस लड़ रहे थे, ऑन द बिहाफ दैट द ईडी ऑफिसर्स आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स। जो ईडी ऑफिशियल्स है, जो ईडी के जो मेंबर्स हैं, ईडी के जो ऑफिशियल्स ऑफिसर्स हैं, क्या ये पुलिस ऑफिसर्स हैं कि वो अरेस्ट कर सकते हैं? क्या वो अरेस्ट कर सकते हैं, कस्टडी में रख सकते हैं? सो क्वेश्चन तो जेन्युइन है। सो उसमें ये हो गया, क्या हो गया? तो उसमें ये हुआ कि सिपल साहब पूछते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ पेटिशनर दैट ईडी ऑफिसर्स आर नॉट ए पुलिस ऑफिसर एज पर द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। विजय मंडलन का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें ये कहा गया है कि जो ईडी के ऑफिशियल्स हैं वो पुलिस मेंबर्स हैं नहीं। हाउएवर ही नोटेड दैट सेशन जज रिमांडेड बालाजी टू जुडिशियल कस्टडी एज पर सेक्शन, जो जुडिशियल कस्टडी में जो दिया था वो सेक्शन 167 के अंदर में दिया था कि आप जुडिशियल कस्टडी में दे दिए थे।
सिंस सेक्शन 65 ऑफ पीएमएलए स्टिपुलेट दैट, अब 65 ऑफ पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो कहता है, वो क्या स्टिपुलेट करता है कि दैट द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन, यहां पे भाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन है दैट द सेम आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द पीएमएलए, जो पीएमएलए के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होता है. सो सेक्शन 167 सीआरपीसी शुड बी एप्लीकेबल मेकिंग नेसेसरी चेंज विदाउट ऑल्टरिंग द एसेंस, उसका एसेंस नहीं चेंज होना चाहिए. And that word police has to be read as a investigative agency or enforcement director. So police का जो word है, the word police has to be read as a investing agency. ऐसा नहीं है कि police का मतलब वही है जो police हम देखते हैं, हम regular में जो investigation agency है वो कोई भी हो सकता है, read as a investigating agency और ED. तो ये इसका इसमें ये कहा गया है. It was also observed that the court designed designated ED official. ये ऑब्जर्व किया गया कि द कोर्ट डिजिग्नेटेड ईडी ऑफिसर नॉट टू बी पुलिस ऑफिसर्स ओनली फॉर द रीजन दैट द स्टेटमेंट गिवन टू द लेटर इन एनी क्रिमिनल केस वुड नॉट बी एडमिसेबल इन एविडेंस बिफोर द ट्रायल कोर्ट अंडर द सीआरपीसी वेयर दैट द गिवन टू बी फॉर्मर वाज एडमिसेबल इन एविडेंस अंडर पीएमएलए. हाउएवर दिस ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी स्ट्रेच्ड टू एक्सटेंड टू डिनाइंग द ईडी एन अपॉर्चुनिटी टू सब्जेक्ट टू अक्यूज टू कस्टोडियल इंट्रोगेशन फॉर अनअर्थिंग द क्रूशियल फैक्ट्स रिलेटेड टू द एलिज क्राइम. ऐसा नहीं है कि भाई आप ईडी को नहीं दोगे, क्योंकि उसको अगर पता चल गया कि एलिज क्राइम हुआ है तो ईडी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब्जेक्ट टू द अक्यूज टू द कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए मिलेगी. सो इसमें यह कहना चाह रहे ऑब्जर्व कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया ईडी को रिलेटेड डाइग्नेशन को लेते हुए. द कोर्ट ऑल्सो टुक इन टू कंसिडरेशन द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग वाई बालाजी वाला केस जो है कार्तिक देसाई वाला, वहां पर उन्होंने क्या डिस्कशन किया, यदि कोर्ट रिफ्यूज टू डिस्चार्ज बालाजी को डिस्चार्ज कर कैश जो कैश फॉर जॉब था उसमें मई में दिस ईयर बाय स्टेटिंग दैट व्हेन द अक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट्स अराइव एट अ कॉम्प्रोमाइज, अगर ये दोनों कॉम्प्रोमाइज पे होता है, अगर दोनों कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं अक्यूज्ड और जो कंप्लेनेंट्स हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जस्टिस कॉम्प्रोमाइज होती है, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग, वो इसमें ये हो गया कि आप जस्टिस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तुम दोनों तो मिल गाट के चलो बना लिया गया भाई छोरो छोरो कंप्लेन वापस ले लेते हैं, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी का जस्टिस डैमेज हो गया, फेयर प्ले जो है वो डैमेज हो गया, गुड कंसेंस जो है वो डैमेज हो गया, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस, तो ऐसा नहीं होगा. सो इसमें भी कोर्ट का अलग अपना व्यू है. अब व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द पास्ट अबाउट पीएमएलए, अब ये देख लेते हैं पीएमएलए के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा छोटे से, बस ज्यादा मैं उसको डीप में ले भी नहीं जा रहा हूँ, मैं नॉर्मल जितना है इस केस से रिलेटेड कि एक कोई मिनिस्टर है जिसने कि समझो कि कैश फॉर जॉब का उनको है, ईडी का ईडी ने गया उसको अरेस्ट करने की कोशिश किया, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल चले गए, फिर वो सेशन कोर्ट ने उनको बोला कि चलो कस्टडी में ले लो, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो अब ये डिस्कशन हो रहा है कि ईडी जो है वो पुलिस ऑफिसर है कि नहीं, कस्टडी में ले सकता है कि नहीं, ईडी के कौन से पावर हैं, ईडी कौन कौन से सेक्शन में, पीएमएलए कैसे कैसे लगता है, तो ये सारे तीन चार पाँच चीज़ें हैं, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप ज़्यादा कन्फ्यूजन एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करें आपको सब समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने आपको एक करके लेयर बाय लेयर बता दिया. सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पीएमएलओ को लेके, इन द लैंडमार्क 2022 की रूलिंग है कि विजय मंडला वही सेम केसेस के, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वेरियस प्रोविजन ऑफ द पीएमएलए विच रिलेट द पावर ऑफ अरेस्ट अटैचमेंट सर्च सीजर्स कन्फर्ड अपॉन द ईडी. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खुल के कहा है कि जो पीएमएलए के बहुत सारे जो प्रोविजन है वहां जहां पे अरेस्ट की बात हो, अटैचमेंट की बात हो, सर्च की बात हो, सीजर की बात हो, प्रॉपर्टी की सीजर की बात हो रही है, सो वो कन्फर्ड अपॉन टू ईडी को दिया गया. द कोर्ट वाज द ओपिनियन दैट द ऑल प्रोविजन अंडर पीएमएलए हैव ए रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड बाय द एक्ट टू इफेक्टिवली प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग. ये जो ईडी को जो पावर दिया गया है अलग अलग प्रोविजन में, ये ईडी को केवल ये नहीं है कि आप जाओ और सीधे अरेस्ट करो, ईडी को ये भी पावर है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको प्रिवेंट करो, इसको रोकना बहुत बड़ा जरूरी काम है भाई. मनी लॉन्ड्रिंग होने के बाद तुम अरेस्ट कर दो क्या है, ईडी के पास ये रीजनेबल नेक्सस तोड़ने का एक सही ईडी को एम्प्लॉय को वो पावर है, ऑफिसर्स को पावर है कि आपको अगर लगता है कि किसी को कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग होगी और उसको अरेस्ट कर सकते हैं तो करो, तो इस टाइप की चीज़ें हैं. सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए लेज डाउन मैनर इन विच द अरेस्ट, 19 जो है सेक्शन 19 जो है पीएमएलए का वो कहते हैं किस तरीके से किसी को अरेस्ट किया जा सकता है इन्वॉल्विंग इन मनी लॉन्ड्रिंग केस कैन बी अफेक्टेड. द प्रोविजन हैज बीन चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इन कन्फेयर अनइक्वल पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट. सो प्रोविजन है जो वो चैलेंज करता है ऑन द ग्राउंड दैट कि आप द प्रोविजन हैज बीन चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इन अनइक्वल पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट. डिसमिसिंग सच ए कंटेंशन
The court ruled that the provision has been structured with inbuilt safeguards that prevent the possibility of abuse of power of ED officials. The court added that the purpose and the object of 222 Act is not limited to punishment of an, मैं यही कहना चाह रहा था कि but also provide measures to prevent money laundering. इसका काम केवल ये नहीं है. आप ईडी को गलत तरीके से आप ये समझ रहे हो कि ईडी ने काम किया और सर चलो किसी ने बंदे ने गलत काम किया और ईडी चलो अरेस्ट कर लो. इसका पर्पस जो एक्ट का जो कोई भी एक्ट बनता है उसका पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. उसका ऑब्जेक्टिव था कि पनिशमेंट तो देना है ही, बट नॉट लिमिटेड टू द पनिशमेंट फॉर एनी ऑफेंस, फॉर ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, बट ऑल्सो टू प्रोवाइड मेजर्स. एक ऐसा एक मेजर्स आप अपनाओ जिससे आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके. तो ये भी हमें देखने की जरूरत थी. अब पी चिदम्बरम वाला केस अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो पी चिदम्बरम वर्सेस जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया था प्रेयर ऑफ एंटीपिस्ट्री बिल विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग एंड द प्रोसीजर ग्रांट कस्टडी टू ईडी. आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एंटीपिस्ट्री बेल मांगते हो और वो कहते हो कि यार मेरे ऊपर वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग जाएगा, मुझे आप बेल दे दो आप, तो कोर्ट ने मना कर दिया था. बोल रहे थे कि यार ईडी को जाँच कर लें. तो मनी लॉन्ड्रिंग विच इन्वॉल्व मैनी स्टेज ऑफ प्लेसमेंट, ये वहाँ पे कोर्ट की व्यू है कि बहुत लेयर पे काम होता है जब भी मनी लॉन्ड्रिंग, अगर प्लेसमेंट होता है फिर उसके बाद लेयरिंग होती है. तो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग जो पीएमएलए है वो कभी किसी दिन मैं समझाऊंगा, तो उसमें उसके लेयर्स हैं, एक एक लेयर उसमें जाके जहाँ पे काम होता है. आप सबको पता है कि हवाला कैसे किस तरीके से इंडिया में चल रहा है और उस पैसे का किस तरीके से टेररिज्म में यूज होता है. तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को जब हम उसको जोड़ेंगे ना तब हमको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस, ईडी का इंपॉर्टेंस क्या है. जो एजेंसी हमारी ईडी, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अभी राइट कंटेम्प्रेरी टाइम में. डेफिनेटली कुछ पॉलिटिकल पावर के ऊपर मिस यूज और यूज का वो कंसेप्ट चल रहा है, वो पॉलिटिकली क्वेश्चंस हैं कि आपको कब अरेस्ट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए. उन्होंने सेक्शन 19 में दिया भी है कि मैनर आप किस तरीके से अरेस्ट करेंगे. लेकिन जो पीएमएलए के केस में है पर्टिकुलरली जहाँ पे आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो वहाँ पे तो हर एक लेयर पे आपको हर एक किस बंदे को आपने कहाँ मिला, किसको कितना दिया, किसके साथ क्या टॉक किया, तो उसको तोड़ने की जरूरत है. अगर इस समय पे अगर आप उनको बेल दे दोगे तो वो तो आपके सारे एविडेंस को खत्म कर देंगे, टेम्पर एविडेंस को टेम्पर कर देंगे ये. तो आपको यहाँ पे देना नहीं है उनको. तो ऐसे केसेस में आपने बहुत बार देखा होगा कि यार ईडी का केस जब जाता है तो बहुत जल्दी आपको बेल मिलती नहीं है, और ये इसका रीजन है. The court also cautioned that it must only exercise its inherent power under section 482 of CRPC. में 482 के अंदर में power है High Court के पास. Interfere in the investigation में investigator जो भी investigate कर रहे हैं उसमें interfere करने की into a cognizable offence if it is convicted that the power of investigation officer is exercised malafide or where there is an abuse of power and the non-compliance with the provision of CRPC. Court तभी ही जाके कूदती है ऐसे मामलों में जब court को लगती है CRPC 482 के अंदर में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या करती है, वो जाके आपके इन्वेस्टिगेटर जो भी है इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है उसको इंटरफेयर कर देती है कि भाई तू गलत तरीके से कर रहा है, तेरा इंटेंशन ही मालाफाइड है. और ऐसे समय पे जाके कोर्ट 482 का यूज कर लेती है. और या फिर उसको लगता है कि सीआरपीसी के कोई भी प्रोविजन जो है वो उसको कॉम्प्लायंस नहीं किया जा रहा है, नॉन कॉम्प्लायंस हो रहा है. तो यहाँ पे कोर्ट पिक्चर में आती है, नॉर्मली पिक्चर में नहीं आती ईडी के केसेज में. तो अगर वो सीआरपीसी का सही से तरीके से फॉलो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में कोई उनका मालाफाइड उसमें कोई रोल नहीं है, तो कोर्ट इंटरफेयर करने से मना करती है. तो आप इस चीज को भी समझें. तो 482 में इनहेरेंट पावर ऑफ द हाईकोर्ट है. तो ईडी को लेके ये न्यूज में था तो मैंने आपको ये शेयर किया. ईडी को लेके ईडी वर्सेस जो सीबीआई है इसका बहुत जल्दी मैं आप लोग को एक डिटेल एनालिसिस दे दूंगा जहां पे आपको इतना पता हो जाएगा ना कि इससे आपका काम बन जाएगा. फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि आप अरेस्ट भी करते हो ना तो एक अरेस्ट का भी मैनर है कि आप को कुछ ग्राउंड्स लिखे हैं, उस ग्राउंड्स को फुलफिल करना, उस प्रोविजंस को फुलफिल करना पड़ता है. और जो पुलिस वर्सेस जो ये है कस्टडी, तो हाईकोर्ट ने तो दिया है कस्टडी कि बोला कि भाई हाँ लो कस्टडी में लो इन मंत्री साहब को, करो अरेस्ट. तो फिलहाल के लिए तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मंत्री साहब जाएंगे जेल या नहीं जाएंगे, तो देखेंगे कि पुलिस के पास तो है ऐसा, ईडी को पुलिस तो कह सकते हैं, एजेंसियां हैं वो एक टाइप की गवर्नमेंट की. अब ये जेजो को लेके आप सबको न्यूज में पता होगा कि जॉनसन एंड जॉनसन को जो टीवी से रिलेटेड जो भी था ना, टीवी से रिलेटेड जो एक बीडा क्विलिन जो होता था, बीडा क्विलिन
एक मेडिसिन थी, इसके लिए इनको पेटेंट चाहिए था दोबारा से। अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको मना कर दिया कि अब नहीं देंगे भाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी पेटेंट की वजह से जो प्राइस है मेडिसिन का बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई प्राइस हो जाता है, तो इसकी वजह से तुमको नहीं देंगे। तो बस ये है न्यूज में कि वीडियो कॉलिंग जो है उसको पेटेंट के लिए उन्होंने डिमांड किया था और अपन ने उनको मना कर दिया था कि नहीं देंगे ऐसा करके। तो ये इन्होंने क्या किया साहब ने, इन्होंने ग्लोबल ड्रग्स फैसिलिटी के साथ, इन्होंने एक WHO की एजेंसी है उसके साथ इन्होंने टाई अप करके 34 अलग अलग कंट्रियों को बोलेंगे कि मैं चलो बेचूंगा। लेकिन अब इनके साथ ये दिक्कत हो गया कि कंपटीटर इनका कौन हो जाएगा, इनका कंपटीटर इंडिया हो जाएगा भाई। इंडिया जेनरिक्स दवाई बनाएगी तो इंडिया वर्सेस जीएनजी होगा, जॉनसन एंड जॉनसन। तो आप बेचो जिस प्राइस पे बेचना है, हम भी बनाएंगे, हम भी बेचेंगे जेनरिक दवाई, ठीक है। तो आपको कंपटीटर मिलेगा आप मार्केट में, तो उनसे ले इनको चिंता करने का विषय है जेएनजी को, ठीक है। और उनकी वजह से दिक्कत यह है कि उनकी वजह से ये इतना 7-8 गुना प्राइस इनका, 9 गुना 10 गुना प्रॉफिट कमाते थे, जिसकी वजह से जो टीवी के जो मेडिसिन है वो बहुत कॉस्टली बिकता था। अब जब एक एग्जांपल उन्होंने ऐसा दिया है कि जो इससे पहले जो थे एक टीवी का ड्रग्स हुआ करता था जो, जैसे ये लिखा भी है लाइनोजोलिड, ठीक है, उसका प्राइस 90% डिक्रीज हो गया। जो पिफिजेड था ना, जो उनके जो पेटेंट थी वो खत्म हो गई थी 2015 में। सो उनकी वजह से इनका प्राइस 90% तक रिड्यूस हुआ है, क्योंकि हम जेनरिक कंपटीशन, हम जेनरिक बना सकते हैं उसके बाद, जब आपको पता ही पेटेंट खत्म होता है तो हम जेनरिक मेडिसिन बना सकते हैं उसका। तो सेम चीजें हैं, इनका भी पेटेंट खत्म हो गया, हम इनका भी बनाएंगे और हमारे जो पेशेंट हैं टीबी से रिलेटेड जितने भी पेशेंट हैं वो हमारे लिए उनकी जो जितनी भी उनकी मेडिसिन की वजह से, जितनी महंगी मेडिसिन की वजह से जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे डैमेज होते हैं, जो हमारे खत्म हो जाते हैं किसी के नियर एंड डियर उनके खत्म होते हैं, तो उनको बचाया जा सकता है अगर उसकी मेडिसिन अगर प्रॉपर चली। अगर आपको पता ही है कि टीबी में लंबा इलाज चलता है, तो अगर वो सस्ता होगा तो वो लोग आप डेफिनेटली यूज करेंगे। तो उसके बाद इंडिया के जितने मैन्युफैक्चर सेक्टर्स हैं उसको अफोर्डेबल क्वालिटी और जो भी उसके बेस पे होगा वो बनाएंगे और बेचेंगे मार्केट में। सो इससे रिलेटेड न्यूज़ था, ठीक है। टीबी आपको पता है बैक्टीरियल डिजीज है, बार बार वो बताने की जरूरत नहीं है। इन्फेक्शन होता है उससे, फिर उसके बाद MDR TB होती है, XDR TB होती है, तो ये सब कॉमन है जो लगातार आप सबको पता होगा। नहीं है तब भी अब MDR XDR के बारे में मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, उसमें देख लोगे बहुत एक लाइन में बता दिया है कि टीबी क्या होता है, क्या क्या होता है। तो आप ये है, तो आप बीटा क्विलिन याद रखें और JNJ को याद रखें, जॉनसन एंड जॉनसन को, कि हाँ कि सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन का जो पेटेंट है वो खत्म कर दिया है, रिन्यू नहीं कर रहे बस। सो इसके बाद कुछ ऐसा है नहीं आज के पेपर में, मेरे हिसाब से सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। स्पेन में वही है, वोट वोट हो रहे हैं, वोट का रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या आता है। रसिया ओडिशा के ऊपर फिर से अटैक, नित्यानंद वही है, नित्यानयाहू जो है वो, उनको हार्ट पेसमेकर लगा है, और जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर वोट होना है। तो इनके लिए दो 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 चीज़ें हैं, एक तो इनकी तबीयत भी खराब है, और जो इतने सारे डिमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं इसराइल में तो उनको भी फेस करना है सबको, अपने पार्टी के और अदर पार्टी जो भी इनके कलीजन कोलिजन में है उसको समझाना है कि भाई जो लेजिस्लेटिव जो है वो जुडिशरी के पावर को थोड़ा सा तो कम कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसके ऊपर में है।